स्कॉर्पियो में भर कर उठा ले गए आदमी को बदमाश, गुमशुदगी का केस दर्ज, परिवार लगा रहा है न्याय की गुहार। कौशाम्बी के महगांव के पास एक ढाबे पर काम कर रहे युवक को स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन लोग जबरिया उठा ले गए। मामले की जानकारी घर वालों को हुई तो पीड़ित परिजनों ने स्थानीय थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। थाने का चक्कर लगा लगा कर थक गए परिवार को पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके कॉपी थमा दी है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। अब पीड़ित परिवार ने एडीजी प्रयागराज से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना अंतर्गत रहने वाले पिता मोहम्मद शाहिद ने बताया कि 2 अगस्त का ये मामला है। पिता ने बताया कि बेटा साकिर थाने के कुछ दूर पर ढाबे में काम करता था। 2 अगस्त को उसे कुछ लोग स्कॉर्पियो में भरकर उठा ले गए। जानकारी मिलने पर थाने को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे लड़के को चारपहिया में भर करके 5 लोग ले गए, जिनका नाम है ये प्रियांशु, अनुराधा, मोहम्मद इस्माइल, जमीलुन और सरवर ढाबा पे ये लोग ले जा करके वहाँ से कहाँ ले गए कोई पता नहीं चल रहा है। हमने नामजद रिपोर्ट किया तो गुमशुदा की थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। और पहले तो कई बार हमको दौड़ाया गया, रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे थे, बहुत मुश्किल में किसी तरह से 10 दिन के बाद 8 दिन के बाद रिपोर्ट मिली तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दे रहे हैं। और हमें घर पर जाके उनके गुंडे सब धमकी दे रहे हैं कि अगर मुकदमा लिखाओगे तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। आपने कितने लोगों के खिलाफ भाई एप्लीकेशन दी? 5 लोगों के नाम दिया है नामजद। कितने दिन हो गए इस मामले को? 2 तारीख का मामला है सर, 2 अगस्त का। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है उर्फ सिद्धू। कहाँ का आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है? हमने एप्लीकेशन थाने में दिया, चौकी में दिया, CO के यहाँ दिया और कप्तान के यहाँ दिया, DEG के यहाँ दिया, DED के यहाँ दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर उसकी बहन रेशमा का कहना है कि 17 दिन बीत चुके हैं पुलिस को तहरीर देने के बाद शनिवार को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 5 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। घटना के दिन के बाद से दबंग आए दिन घर पर आकर और कभी फोन पर धमकी दे रहे हैं कि तुमने इसकी सूचना किसी को दी या पुलिस को जानकारी दी तो तुम्हारे भाई की लाश भी नहीं मिलेगी। पीड़ित परिवार अब बुरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार पुलिस आयुक्त और ADG प्रयागराज से न्याय की गुहार भी लगा रहा है। हमारे भाई को नसीम नेता, जमीलू, इस्माइल, प्रियांशु, अनुराधा, सब लोग मतलब सरवर ढाबा वाले सब चारपाइयों भर के ले गए। जहाँ ले गए हों हमने यहाँ एप्लीकेशन थाने में, चौकी में, हर जगह दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उसमें गुमशुद्दी सिर पे लिखे हुए, किसी का नाम नहीं डाले। और आके वो लोग घर पे बोल रहे हैं कि अगर तुम मुकदमा लिखाओगी तो तुम्हारे भाई की लाश भी नहीं मिलेगी। आज हो रहा है कम से कम 16-17 दिन हो गया। कोई दुश्मनी थी पुरानी? हाँ, पुरानी दुश्मनी थी। किन चीज़ को लेकर, किस तरह का विवाद था? बहुत पुरानी दुश्मनी थी, वही मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लड़ाई किया, कॉलर पकड़ के हमारे भाई को मारने आया था घर पे, छुड़ा दिए थे। उसके 3rd दिन के बाद हमारा भाई को भर के चारपहिया में ले गए सब लोग मिल। अब हमने अब यहाँ ला के थाने में दिए भी हैं एप्लीकेशन, चौकी में भी, कप्तान सर के भी यहाँ गए, चायल पे भी गए सर के यहाँ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही हमारी। UP News 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।